नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि अनार का बगीचा लगाएं, क्योंकि अनार का बगीचा एक बार लगाने के बाद आपको काफ़ी अच्छी आमदनी देखे जाता है, तो आज अनार के लिए किस जलवायु की आवश्यकता होती है और किस समय अनार का पौधा लगाना चाहिए, अनार का बगीचा लगाना चाहिए और किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त रहती है, उन सभी टॉपिक के बारे में आज अपनी चर्चा करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। तो किसान भाई, अनार की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, जो कम उपजाऊ है उसी में भी कर सकते हैं, ज़्यादा उपजाऊ है उसमें भी कर सकते हैं, पर भूमि का चुनाव करते समय इस बात का खास ध्यान रखना है कि ऐसी भूमि का ही चुनाव करें जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि अगर आप ऐसी भूमि का चुनाव करते हैं जहाँ बारिश के समय पानी रुक जाता है तो इससे अनार के पौधे पे काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाई, ऐसी भूमि का चुनाव करें जिसमें जल निकास की अच्छी सुविधा हो। तो आगे चर्चा करते हैं अनार के पौधे लगाने के लिए सही समय। तो अनार के पौधों को आप अगस्त या फिर फरवरी मार्च में लगा सकते हैं, क्योंकि इन महीनों में ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही गर्मी पड़ती है, तो ये मौसम अनार लगाने के लिए बहुत उपयुक्त रहता है, क्योंकि एक बार अनार लगाने के बाद लगभग 2.5 से 3 साल बाद इसके जो पेड़ हैं वो फल देना शुरू करते हैं। और अनार की खेती की खास बात यह है कि इसमें एक बार निवेश करने पर आपको ये सालों लाभ देता है। तो अनार के पौधे लगाने के लिए आपको किस प्रकार से गड्ढा खोदना है, उसकी क्या गहराई रखनी है, चौड़ाई रखनी है और पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी रखनी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पौधरोपण से लगभग 1 महीना पहले आपको गड्ढा खोदना है और गड्ढे की लंबाई 60 सेमी और चौड़ाई 60 सेमी और गहराई भी 60 सेमी, यानी 60 × 60 × 60 रखनी है। इसके साथ 4 से 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए, मतलब एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी 4 से 5 मीटर की ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अनार के पौधों को गहरा या पास पास लगा देते हैं तो अनार का पौधा जैसे ही 10-15 साल का होता है तो ये आपस में मिल जाते हैं और इससे क्या है कि रोगों की समस्या ज़्यादा आती है, क्योंकि उसमें हवा का सर्कुलेशन सही नहीं रहता है, सूर्य का प्रकाश सही ढंग से नहीं पड़ता है इसलिए। और 15 दिन तक गड्ढों को सीधा ही छोड़ना है और पौध लगाने से पहले इसमें 1 किलो SSP और 0.50% के हिसाब से क्लोरोपाइरीफॉस चूर्ण आता है, इन सभी को मिला के नीचे गड्ढे में 15 सेंटीमीटर तक भरना है और उसके ऊपर गोबर की खाद डाल के पौधों को लगाना है। इस प्रकार से अगर आप पौधरोपण करते हैं तो पौधा अच्छी ग्रोथ भी करता है और इसमें रोग भी कम आते हैं। तो सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।